नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां और अंतिम T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा 3 दिसंबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से, यानी कि 7 PM से। तो आज की इस वीडियो में 5वें और अंतिम T20 इंटरनेशनल मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि 5वें T20 इंटरनेशनल मैच के लिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है, जबकि इस 5वें T20 इंटरनेशनल मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली है, कौन से बदलाव आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं, जबकि इस 5वें T20 मैच में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। इसके अलावा 5वें T20 इंटरनेशनल मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स, इसके अलावा सभी मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं 5वें T20 इंटरनेशनल मैच के लिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम ओवरऑल मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो इस मैदान पर अभी तक टोटल 8 मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 2 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 5 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और 1 मैच बारिश की वजह से नो रिजल्ट रहा था। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 155 रन का है, तो वहीं एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 146 रन का रहा है। तो आप इन ओवरऑल मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच पर जिस टीम ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ज्यादा एडवांटेज मिला है, इसी वजह से चेस करने वाली टीम्स ने इस मैदान पे ज्यादातर मुकाबले जीते हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है, इस पिच पर पूरे मैच में बल्लेबाजी करना काफी आसान साबित होता है क्योंकि गेंद बल्ले पर काफी अच्छी गति और उछाल के साथ आती है, तो बल्लेबाज इस पिच पर मौजूद पेस और बाउंस को ट्रस्ट करके अपने शॉट्स आसानी के साथ खेल पाते हैं। दोनों पारियों में ये पिच बल्लेबाजों को ही सपोर्ट करती है, जिसके कारण आपको इस मैदान पे हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के जो बाउंड्री डायमेंशंस हैं वो ज्यादा बड़े नहीं है, छोटा मैदान है, जबकि आउटफील्ड काफी ज्यादा फास्ट है, जिस वजह से आपको इस मैदान पर बहुत ज्यादा चौके छक्के भी देखने को मिलते हैं। और इस मैच में भी जिस प्रकार की बैटिंग लाइनअप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद है, एक बार फिर से आपको चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर जो 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस चेस करने वाली टीम्स ने जीते हैं, उन 5ों मैचेस में आपको फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 200 से नीचे देखने को मिले थे, जो कि आसानी के साथ चेस हो गए थे। लेकिन जो 2 मुकाबले फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, उनमें से 1 मैच में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 200 के ऊपर बना था, जो कि सक्सेसफुली डिफेंड हो गया था। तो इस आंकड़े से ये बात साबित हो जाती है कि इस मैदान पर स्कोर डिफेंड करना काफी चैलेंजिंग साबित होता है। ये एक चेजिंग ग्राउंड है, बड़े से बड़े स्कोर भी इस मैदान पे आसानी के साथ चेज हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में भी ये पिच बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतर रहती है और इस मैच में दूसरी पारी में ड्यू आने की भी संभावना है, तो ड्यू फैक्टर को देखते हुए चेस करने वाली टीम को एक बार फिर से एडवांटेज मिलेगा। और ऐसे में मुझे लगता है कि जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा। हालांकि अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को इस पिच पर मुकाबला जीतना है तो उन्हें पहली पारी में कम से कम 215 या 220 के आसपास का स्कोर बनाना होगा, क्योंकि अगर 190 से 200 के बीच का स्कोर भी फर्स्ट इनिंग्स में बनता है तो उसके चेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो इंडिया का है इंग्लैंड के खिलाफ 202 रन 6 विकेट के नुकसान पर, लोएस्ट टोटल श्रीलंका का है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 122 रन 9 विकेट के नुकसान पर, हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है इंडिया के खिलाफ
194 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो इंडिया ने किया है बांग्लादेश के खिलाफ 146 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं पांचवें T20 इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो आपको इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे यशस्वी जायसवाल के साथ ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 3 पर आ सकते हैं वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर कैप्टन सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा, नंबर 6 पर रिंकू सिंह, नंबर 7 पर बड़ा बदलाव हो सकता है इस मैच में अक्षर पटेल को रेस्ट देकर प्लेइंग 11 में वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया जा सकता है। तो अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी खेलेगा। नंबर 8 पर आएंगे दीपक चहर, नंबर 9 पर रवि बिश्नोई, नंबर 10 पर आवेश खान और नंबर 11 पर मुकेश कुमार आ सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे जॉश फिलिपी के साथ ट्रेविस हेड, नंबर 3 पर आ सकते हैं बेन मैकडरमट, नंबर 4 पर एरन हार्डी, नंबर 5 पर टिम डेविड, नंबर 6 पर मैथ्यू शॉर्ट, नंबर 7 पर कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड, नंबर 8 पर बेन ड्वार्शविज, नंबर 9 पर क्रिस ग्रीन, नंबर 10 पर जेसन बरेंड्रॉफ और नंबर 11 पर तनवीर सांगा या नेथन एलिस या फिर केन रिचर्डसन में से कोई एक खेलेगा। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं पांचवें T20 इंटरनेशनल मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट के इतिहास में टोटल 30 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से इंडिया ने 18 मैचेस जीते हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 11 मैचेस जीते हैं और एक मैच नो रिजल्ट रहा है। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में इंडियन टीम का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं वहां भी इंडियन टीम ने कंप्लीटली डोमिनेट किया है, क्योंकि इंडिया ने 4 मैचेस जीते हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ एक मैच जीत पाई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के बारे में। तो इंडियन टीम ने इस मैदान पर टोटल 6 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं जबकि 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा है और एक मैच नो रिजल्ट रहा था। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मैदान पर 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और दोनों मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करी है। तो इस मैदान पर परफॉर्मेंस के आधार पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो इंडियन टीम ने जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 4 मैचेस जीते हैं जबकि सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं जबकि 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। तो अगर आप दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म का कंपैरिजन करोगे तो इस समय इंडियन टीम की फॉर्म ऑस्ट्रेलियन टीम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं पांचवें T20 इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें तो इंडियन टीम की तरफ से आप ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 355 रन बनाए हैं 71 के बेहतरीन एवरेज और 150 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप यशस्वी जायसवाल को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 264 रन बनाए हैं 29 के एवरेज और 167 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड के साथ जा सकते हो। पिछले 5 मैचेस में 181 रन बनाए हैं 36 के एवरेज और 177 के स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि आप टिम डेविड को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 155 रन बनाए हैं 31 के एवरेज और 161 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम के बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप राइट आर्म लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को फैंटेसी 11 में रख सकते हो, जिन्होंने इस T20 सीरीज में काफी बेहतरीन गेंदबाजी करी है। पिछले 9 मैचेस में 16 विकेट्स ले चुके हैं 7 की इकोनॉमी और 13 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह के साथ भी जा सकते हो अगर ये मुकाबला खेलते हैं। पिछले 9 मैचेस में 9 विकेट्स ले चुके हैं 8 की इकोनॉमी और 21 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन अगर ये मुकाबला नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह पर आप राइट आर्म फास्ट बॉलर दीपक चहर को फैंटेसी 11 में रख सकते हो, जिन्होंने चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में 2 विकेट्स चटकाए थे।
दूसरी तरफ आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से राइट आर्म लेग स्पिनर तनवीर सांगा के साथ जा सकते हो। पिछले 6 मैचेस में 9 विकेट्स लिए हैं 9 की इकोनॉमी और 16 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन अगर ये मुकाबला नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह पर आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बेन डुवार्शिस को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो, जिन्होंने चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में 3 विकेट चटकाए थे। इसके अलावा आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जेसन बरेंड्रॉफ के साथ भी जा सकते हो। पिछले 4 मैचेस में 6 विकेट्स ले चुके हैं 5 की इकोनॉमी और 16 के स्ट्राइक रेट के साथ। इस T20 सीरीज में काफी अच्छी इकोनॉमिकल गेंदबाजी भी करी है और विकेट्स भी चटकाए हैं। और अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं 5वें T20 इंटरनेशनल मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो शुरुआती 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस में भारतीय टीम ने जीत हासिल करी थी, लेकिन तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दमदार वापसी करते हुए मुकाबला जीता था और इस T20 सीरीज को जीवित रखा था। लेकिन चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराकर इस T20 सीरीज को अपने नाम कर लिया है, यानी कि ये T20 सीरीज जीत ली है। जहां चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे पहले यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के बाद जितेश शर्मा और रिंकू सिंह की तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली थी, तो वहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट में दीपक चहर, इसके अलावा रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल ने भी अपना रोल बखूबी निभाया था। शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को चौथे T20 मुकाबले में जीत दिलाई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय टीम अपने घर पर खेली गई पिछली 14 T20 इंटरनेशनल सीरीज से अनबीटन है। भारत ने इन 14 T20 इंटरनेशनल सीरीज में से 12 सीरीज जीती हैं, जबकि 2 T20 इंटरनेशनल सीरीज ड्रॉ यानी कि बराबर रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चौथा T20 इंटरनेशनल मैच जीतने के बाद भारतीय टीम T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री की मोस्ट सक्सेसफुल टीम बन चुकी है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने T20 इंटरनेशनल इतिहास में सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं। भारतीय टीम अब टोटल 136 T20 इंटरनेशनल मुकाबले जीत चुकी है, जो कि सभी टीमों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में अगर हम 5वें T20 मुकाबले की प्रेडिक्शन की बात कर लें तो मुझे लगता है कि इस समय दोनों टीमों की अगर प्लेइंग 11 का कंपैरिजन किया जाए तो इस समय भारतीय टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रांग दिखाई दे रही है। हालांकि ये बात भी सच है कि ये एक चेजिंग ग्राउंड है और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर जो भी टीम चेस करती है उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है और चेस करने वाली टीम के मैच जीतने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। तो इस मैच में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी टीम चेस करेगी, लेकिन फिर भी प्रदर्शन और फॉर्म के आधार पर इस मैच में इंडियन टीम फेवरेट्स दिखाई दे रही है। अब पिछले मैच में भी मैंने आपको बोला था कि रायपुर में आपको हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा, एक मीडियम स्कोरिंग मैच होगा। और अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम 180 के आसपास का स्कोर बनाएगी तो उसके डिफेंड होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एग्जैक्टली आपको वैसा ही देखने को मिला। और इस मैच में भी मुझे लगता है कि जो भी टीम चेस करेगी उसके जीतने के चांसेस काफी हाई रहेंगे, पर ओवरऑल जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो टीम इंडिया के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम 5वां और अंतिम T20 इंटरनेशनल मैच जीतेगी, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।